हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं ज्योति और आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं सपना के बारे में। सपना का हाल ही में एक व्लॉग सा आया है जिसमें वो गई है खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। श्याम बाबा हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है, लेकिन जहाँ पर सपना रहती है वहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, क्योंकि ये राजस्थान में पड़ता है। और जब सपना खाटू श्याम दर्शन के लिए निकल गई थी, तो रास्ते में उनके ननिहाल जैसे नानी का घर पड़ता है, तो वहाँ पर भी रुकी थी। और सपना के साथ स्वी का फैमिली भी गया है। सपना पहली बार खाटू श्याम दर्शन के लिए गई है, और उसने टाइटल भी डाला है कि बहुत दिन बाद मेरी ये विश पूरी हुई। हालांकि ये उसकी विश होगी पहले खाटू श्याम दर्शन करने, क्योंकि हर आज की जो जनरेशन है, हर कोई श्याम बाबा के दर्शन करना चाहता है। और श्याम बाबा के जो दर्शन होते हैं ना, वो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जब श्याम बाबा की वो होता है ना, बुलाव आता है, तभी वो दर्शन हो पाते हैं। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं, कुछ ना कुछ अड़चनें रह जाती हैं। अब भी कुछ लोग, देखो सपना अपने व्लॉग्स में अभी पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रही है, चाहे तो वो नेगेटिविटी दिखाकर बहुत सारे व्यूज पा सकती है, जैसे कि और जितने भी व्लॉगर्स कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और सपना के पास तो इतने दुख हैं, जिस लड़की ने 25 साल की उम्र में इतने सारे दुख झेल लिए हों, तो वो तो पता नहीं क्या क्या दिखाकर व्यूज बटोर सकती है। दिन में तीन तीन चार चार व्लॉग्स भी डाल सकती है, बट वो ऐसा नहीं करती। दो दिन का एक व्लॉग्स बनाती है, वो हमें दिखता है, और वो अपने व्लॉग्स में पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करती है। वो अपने ससुराल में थी तब भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी, बट अभी आप देखते होंगे उस मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारा दर्द है, वो आराम से दिख जाता है जो उनके रेगुलर व्यूवर्स हैं। बट अब भी कुछ ऐसे जलने वाले लोग होते हैं ना। वैसे तो सपना 95% सपना के सपोर्ट में है लोग, अच्छी बात है, और सपोर्ट करना चाहिए इस तरह की हर लेडीज को, ना कि सपना को, इस तरह की हर लेडीज जो कि अपने पैरों पर खड़े होकर एक समाज के लिए दर्पण बनते हैं ना, उस महिलाओं को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसे गिराने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इनमें से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, और उसको गिराने के चक्कर में ऐसे ऐसे गलत कमेंट्स करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही कुछ कमेंट्स सपना के जो हाल ही में आया है कि मेरी विश पूरी हो गई, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स कर रखे थे कि आपकी विश कब थी, तो तुम्हारा बहाना है घूमने का, अब तो रोज़ नए नए तुम टूर बनाती हो कहीं ना कहीं घूमने फिरने का, सास ससुर बेचारे। अरे भाई, जो बार बार में ये कह रहे हैं सास ससुर बेचारे पड़े हुए हैं अब गांव में, खुद यहाँ पर टूर बना रही है, कभी कहीं जाते हैं, कभी लखन के पास जा रही है, कभी सीवी के घर जा रही है, कभी कुछ कर रही है, अब लोगों को ये चीज़ें भी मतलब बर्दाश्त नहीं हो पा रही। सपना घूम रही है, क्योंकि सपना ने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ एक रूम के अंदर ब्लॉग्स बनाती थी, और हम कोई भी हो, कुछ दिन किसी के दुख और दर्द को सुनेंगे, कुछ दिन हम देखेंगे, फिर किसी को अच्छा नहीं लगता, रोज बोरिंग लगता है, कैमरा पकड़ा और बातें करने लग गई। तो वो अब अलग अलग जगह की तरह तरह के लोगों को व्लॉग्स दिखाना चाहती है, चाहे वो सीवी के घर का हो, चाहे वो अपने ननिहाल्स का हो, अपने मायके का हो, लखन के साथ मॉल में, अभी शॉपिंग वगैरह घर को भी अभी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तो उन्होंने वहाँ पर जाने के बाद, ग्वालियर जाने के बाद, हर कुछ नया दिखाने की कोशिश की है व्यूअर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स उसको उसके साथ जुड़े और उसको सपोर्ट करें। बट लोगों को ये चीज़ सब बर्दाश्त नहीं हो पा रही, और वो तरह तरह की बातें बना रहे हैं, तरह तरह के गलत कमेंट्स कर रहे हैं। तो बाबा के दर्शन होते हैं ना, वो बुलावे आने पर ही होते हैं, ऐसे नहीं होते। तो अब सपना का बुलावा है दोनों बेटियों के साथ, वो दर्शन के लिए निकली है, और सीवी उसके साथ है। कुछ लोगों को अब ये भी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि सीवी उसको इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। कई बार क्या होते हैं, खून के रिश्ते साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे बन जाते हैं लाइफ में जो जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ते और इतना सपोर्ट करते हैं, और जो दुख के दुख और दर्द में साथ देते हैं ना, वही असली जीवन साथी, या कह सकते हैं असली फ्रेंड होता है, या असली इंसान होता है। सुख के दिन में तो सब साथ रहते हैं, लेकिन दुख के दिन में कोई ही चंद लोग साथ रहते हैं। लखन भैया ने उनका साथ दिया तो लोगों को फिर से जलन हो गई थी, अब सीवी उसका साथ दे रही है, उनके परिवार का साथ दे रही है, और सपना भी उनकी बार बार तारीफ कर रही है ससुराल हो तो। ऐसा लोगों को अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, और कह रहे हैं कि सीवी से दूर रहो, नज़र लग जाएगी तुम्हारे परिवार को सपना जैसी लड़की से। भाई, सपना ने क्या कर दिया, वो तो भगवान किस्मत में जो लिखा है वो होगा, और सपना जैसी लड़की से दूर होने का क्या है। सपना तो सब एक महिलाओं के लिए मिसाल बनी है, कह सकते हैं 25 साल की छोटी सी उम्र में इतने सारे दुख झेल कर उसने इतना कुछ सहन करके, और आज भी वो खड़ी हुई है। नहीं तो एक नॉर्मल महिला होती है ना, टूट जाती है, बिखर जाती है,
नहीं खड़ा हो जाता। सपना बहुत ज्यादा बार बिखरी भी है, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। बट कुछ लोग है ना, उसको फिर से उसे गिराने की कोशिश करते ताकि वो गिरी रहे। लोग नहीं चाहते आगे बढ़े, कुछ करे, और वो हमेशा लोगों को पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करती है, कोई भी नेगेटिव नहीं दिखाती, चाहे उसके मन में कुछ भी चल रहा हो, चाहे उसके अंदर कितना भी दर्द हो। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक लड़की के लिए सब कुछ सेट करना, सब कुछ मैनेज करना, पूरे फैमिली को देखना बहुत मुश्किल होता है। और अभी उसकी मम्मी भी घर पर चली गई है, तो इसकी वजह से पूरा घर खाली खाली हो गया है। थोड़ा अजीब सा लगता है बेटियों को संभालना, व्लॉग्स बनाना। उसका भाई है साथ, फिर भी इस वजह से उसने सीवी और उसकी ननद को घर पर बुला लिया था ताकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, उसकी टाइम पास हो जाए। अब वो अपने थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकल गई। आज के व्लॉग्स में उसने डाला है, अभी 1 घंटे पहले उसका द रोप व्लॉग्स आया था, उस पर उसने डाला है। वो अपनी भुआ जी जो सलोनी थी उसकी बहन के ससुराल जयपुर रुकी हुई थी रात को, पूरा फैमिली सिवी के साथ। तो इस तरह से हमें भी अलग अलग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और जो उसके खट्टर मतलब कह सकते हैं बिल्कुल फैन है, जो सपना के व्लॉग्स देखे बिना रोटी मतलब खाना नहीं खाते, मेरे जैसे, मैं भी खाना बनाते बनाते सपना के व्लॉग्स देखती हूँ दोनों चैनल्स अच्छे से। जब भी उसके व्लॉग्स आते हैं टाइम नहीं मिलता है तो रात का खाना बनाते वक्त देख लेती हूँ, तो हमें मिलता है हाँ सपना ठीक है। और जिस दिन उसका व्लॉग नहीं आता ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, परेशान होगी, पता नहीं क्या हो रहा होगा। पहले क्या होता था, लोग सीरियल देखते थे, आजकल सब व्लॉग्स, बस व्लॉग्स देखकर मतलब घर घर की कहानी देखना पसंद करते हैं, क्या हो रहा होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अभी सपना थोड़ा काम अच्छे से नहीं कर पा रही है, मानती हूँ, क्योंकि अभी घर को सेट करना, घर में बहुत कुछ करना बाकी है उसका, तो धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक आदमी सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। हालांकि उसकी मम्मी भाई ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और उसका जो मामा का लड़का है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है उसकी। बट दो दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हम नॉर्मली भी मतलब यूट्यूब के साथ छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। 10-15 मिनट की वीडियो जो लोगों को लगती है ना, इतनी सब बना ले, उसको एडिट करना, उसको बहुत, वो 10-15 मिनट की वीडियो पूरे दिन की वीडियो होती है, तो उसमें से कट लगा के हमें सब कुछ एडिट वगैरह करना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता है काम करना और उस पर ग्रो करना और कुछ अलग अलग चीज़ें देखना, लोगों की नेगेटिविटी सहन करना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं पॉजिटिविटी डाल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतने गलत, अब भी जिसका ना सर है ना पैर है, इतनी गलत वीडियो बना रहे हैं सपना के बारे में। कुछ लोग कह रहे हैं कि सपना एक हबी व्लॉग्स ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया की एक कह सकते हैं रीत है, जो लोग नेगेटिविटी दिखाते हैं, जो लोग सपना से जलने वाले हैं, तो वो नेगेटिविटी देखना पसंद करेंगे। और नेगेटिविटी भी वो चीज़ें है कि उसके हाँ अब क्या मिर्च मसाला लगने वाला है। तो एक दो तीन ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो सारी सपना की मतलब ऐसे ही दिखाते हैं कि सपना की सास एडमिट है तो सपना ससुराल गई, इस वजह से उसके ब्लॉग्स नहीं आ रहे। और उस ब्लॉग्स पे जाके देखेंगे ना, तो इतने अच्छे, इतने ट्रेंड कर रहे हैं, व्यूज इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो हम जैसे लोग उनको ब्लॉग्स देखते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सपना ससुराल नहीं गई है, सपना अपने श्याम बाबा दर्शन के लिए गई है। और उसके व्लॉग्स नहीं आए थे क्योंकि उसकी मम्मी चली गई थी, एक दिन ही नहीं आया था शायद, उसकी मम्मी चली गई थी। तो दिक्कत होती है बच्चों को संभालना, उसकी मम्मी बहुत सारा काम कर लेती थी, फिर खाना वगैरह वाली भी नहीं है, सारा काम खुद करती है, वो मेड वगैरह नहीं लगा रखी है, और नए शहर में सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है अकेले के लिए। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और सब कुछ मैनेज हो जाएगा। हालांकि उसकी मम्मी आ जाएगी या उसकी भाभी आएगी, अकेले कर पाना बहुत मुश्किल है अलग शहर में, या तो फिर मेड वगैरह लगानी पड़ेगी। क्योंकि अभी फिलहाल के समय में आपने देखा होगा सपना ने कोई भी मतलब मेड वगैरह नहीं रखी है, घर का सारा काम खुद ही करते हैं। तो ये सब कुछ काम करना, और उसके साथ वो मतलब और जो मीशो वगैरह ऐप पे भी काम करती है, उनके रिव्यू वगैरह देती है, तो वो काम ज़्यादा होता है। बल्कि ये थोड़ा व्लॉग्स वगैरह तो बना लेते हैं, उसके बाद वो काम ज़्यादा होता है जिसके रिव्यू वगैरह रेडी होकर बहुत सारा काम होता है। तो कुछ लोग गलत जैसे अफवाह फैला रहे हैं ससुराल में चले गए, भाई सपना अब ससुराल नहीं जाएगी क्योंकि उनका बिगड़ ही इतना चुका है, बस अब मे भी जाए पर लगता नहीं है अब कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ उन्होंने सोशल मीडिया पर खोल दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तो यही चाहेंगे हो जाए अच्छा सब कुछ, फिर से अपना एक फैमिली हो जाए, बट अब मुश्किल लगता है क्योंकि अंशु भी जा चुकी है और कोई चांसेस नहीं है कि अब सपना जाए, क्योंकि अंशु के बिना सपना रह नहीं पाएगी और सपना सब कुछ कर लेगी धीरे धीरे। करना मुश्किल होता है बट करना पड़ेगा, एक लड़की होती है ना जितनी कमज़ोर होती है उतनी स्ट्रोंग भी होती है, जल्दी टूट जाती है और जल्दी संभल भी जाती है। लड़की में हर क्वालिटी होती है, भगवान उसे हिम्मत देता है और हिम्मत दे आगे बढ़े।
सपना जो दर्शन करने गई है श्याम बाबा, उसकी हर विशेष को पूरा करें और सपना को आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।